नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मोबाइल फोन पर बातचीत करने में उत्तर प्रदेश का कोई जोड़ नहीं है। देश भर में सबसे ज्यादा बात करने का रिकॉर्ड यूपी वालों ने बनाया है। यहां के लोग मोबाइल फोन पर हर महीने औसतन 36 घंटे बात करते हैं, लिहाजा देश भर में सबसे ज्यादा बिल भी यूपी वाले ही टेलीकॉम कंपनियों को भरते हैं। इसमें इंटरनेट पर बिताया गया समय और पैसा शामिल नहीं है। और इतना ही नहीं, व्हाट्सएप के जमाने में भी एसएमएस भेजने में यूपी वाले नंबर वन हैं। इसका खुलासा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। यूपी में करीब 17 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। यहां एक मोबाइल फोन धारक हर महीने 238 रुपए केवल बात करने में खर्च कर रहा है, यानी हर महीने यूपी वाले लगभग 4000 करोड़ रुपए टेलीकॉम कंपनियों को बातचीत करने के एवज में दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 96% से ज्यादा लोगों के पास प्रीपेड मोबाइल फोन है। केवल 4% लोग ही पोस्टपेड यूजर हैं। सबसे कम 42% प्रीपेड फोन जम्मू कश्मीर में है। हालांकि दिल्ली के लोग भी पोस्टपेड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ 67% प्रीपेड यूजर हैं। मुंबई में लगभग 78% प्रीपेड यूजर हैं। दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोलकाता ही क्यों ना हो, बातूनीपन के मामले में यूपी वालों के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। यूपी वाले मोबाइल पर हर महीने करीब 36 घंटे बात करते हैं। कोलकाता वाले 14 घंटे, दिल्ली वाले 15 घंटे और मुंबई वाले 13 घंटे मोबाइल पर बात करते हैं। यूपी वालों की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही कॉल लगभग बराबर हैं, यानी 36 घंटे में लगभग 18 घंटे फोन किया जाता है और इतने ही घंटे फोन रिसीव किया जाता है। मोबाइल फोन पर बातचीत करने में 5 प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 36 घंटे, बिहार 22 घंटे, जम्मू कश्मीर 19 घंटे 30 मिनट, ओडिशा 19 घंटे, असम 18 घंटे। हर महीने हर व्यक्ति सबसे अधिक मोबाइल बिल भरने वाले राज्य उत्तर प्रदेश 238 रुपए, आंध्र प्रदेश 173 रुपए, तमिलनाडु 167 रुपए, जम्मू कश्मीर 165 रुपए। देश के सर्वाधिक मोबाइल फोन धारक 5 राज्य उत्तर प्रदेश 16 करोड़ 40 लाख, महाराष्ट्र 9 करोड़ 29 लाख, बिहार 9 करोड़ 15 लाख, आंध्र प्रदेश 8 करोड़ 4 लाख, तमिलनाडु 8 करोड़ 10 लाख। तो ये आंकड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सफर लगातार जारी है और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।